अच्छा, मैं आपसे ये सवाल एक आपको मैं असल में ये बताना चाह रही थी कि आप बहुत ज्यादा उम्दा प्रोग्राम नया शुरू किए हैं जो बहुत ही फायदेमंद होगा लोगों के लिए, और मुझे भी बहुत फायदा हो रहा है, और आपके हर प्रोग्राम से बड़ी बड़ी जो है वो होती है, जजाकल्ला, आपको खुदा उम्र दराज करे, और आपके हर प्रोग्राम एक अलमोल मोती की तरह होता है। एक और नया अलमोल मोती आपने शुरू कर दिया है जो बहुत ही शुक्रगुजार हैं हम सब। इंशाल्लाह ये भी बहुत कामयाब होगा। और आपसे मुझे एक सवाल था कि जब इंसान मरने लगता है तो फरिश्ते जान निकालने के लिए आते हैं, तो उस वक्त क्या अगर बंदा नेक हो तो सरकारे दो आलम का दीदार हासिल हो सकता है, तो आप बराए इनायत इसका जवाब बता फरमाइए। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। आप जिस अंदाज से इजहार मोहब्बत किया, लुत्फ आ गया, मज़ा आ गया, गोया कि प्रोग्राम आपने आज का वसूल कर लिया, तो गोया कि आपने इंतहाई मोहब्बत से और अकीदे से इजहार मोहब्बत किया, हमारे प्रोग्राम को पसंद किया, हमारे हर प्रोग्राम को एक अनमोल मोती करार दिया कि हर प्रोग्राम अनमोल मोती है। गोया कि ये एक और अनमोल मोती है जो आपको हमने पेश किया है और आपने इसको शर्फ़ कबूल बख्शा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला भी हमारे तमाम प्रोग्रामों को, इन अनमोल मोतियों को शर्फ़ कबूल बख्शे। अल्लाह अल्लाह के रसूल के दरबार में जब कबूल हो गए तो इसका मतलब है कि हमारे लिए कामयाबी की खुशखबरी है। अल्लाह आप हज़रात को खुश रखे, खूब जो है बरकत अता फरमाए। बाकी जो आपने पहला सवाल किया है उसका जवाब यह है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार जो है कब्र के अंदर, दीदार के बारे में तो हदीस वाज़े है कि कब्र के अंदर जो है जो सवालात किए जाएंगे और मुनकर नकीर जब आते हैं, पहला सवाल करते हैं मन रब्बू का, तेरा रब कौन है, तो जवाब देता है जैसे भी अगर मोमिन है तो कह दे कि रब्बी अल्लाह, अल्लाह मेरा रब है, और अगर मुनाफिक है तो हदीस में आता है हा हा ला अदरी, वो ये कहता हा हा ला अदरी, नहीं मुझे कुछ पता नहीं है, तो फिर जो मलाइका उसके ऊपर अजाब मुसल्लत करते हैं। फिर दूसरा सवाल करते हैं मा तकूलु फी हाज़िर रजुल, एक तो हदीस में आता है कि ये पूछा था मन नबी यू का, तेरा नबी कौन है, तो वो कहता मोहम्मद उन रसूली, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे रसूल हैं, लेकिन एक रिवायत में आता है कि ना हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरापा दिखाया जाता है और आपकी शख्स सामने है, वो मोमिन या काफिर मुनाफिक देखता है और मलाइका इशारा करता है कि ये जो शख्सियत है इनके बारे में तेरा क्या ख्याल है, आपकी शबी को देखता है, तो अगर मोमिन सादिक है तो वो देख के पहचान जाता है, अल्लाह तबारक व तआला शौरी तौर पर उसको पहचान अता कर देते हैं, जैसे ख्वाब के अंदर बंदा पहचान जाता है कि ये फलां है, इस तरह पहचान जाएगा और कहेगा ये तो मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये जवाब देगा। और अगर मुनाफिक है तो मुनाफिक मुशरिक जो देख के कहेगा कि मैं तो इनके बारे में वो कहता रहा जो सारी दुनिया कहती रही, जो लोग जो है ये दुश्मनान दीन जो ये इनके बारे में कहते थे मैं भी वो कहता रहा, तो गोया कि वो उसके ऊपर फिर अजाब जो मुसल्लत करते हैं। फिर पूछे कि माँ दीनों का तेरा दीन क्या है, तो वो जवाब दे अली इस्लामुद्दीन, इस्लाम मेरा दीन है। तो उस कब्र के अंदर तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबी दिखाए जाने का तस्करा मौजूद है, लेकिन जब इंसान सकरात का आलम होता है, जब रूह कब्ज होने लगती है, उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कराया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला कराना चाहे किसी आशिक रसूल को करा भी सकते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरापा उस वक्त उस हालत में देख ले, क्योंकि ख्वाब जो है बेदारी में भी होता है और नींद में भी होता है, तो बेदारी की हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरापा देख ले तो पॉसिबल, लेकिन हदीस में ऐसा कोई तज़किरा नहीं। हाँ हदीस और कुरान के अंदर ये आता है उस वक़्त में अल्लाह जन्नत दोज़ख दिखाते हैं, जन्नत और दोज़ख दिखाते हैं उसको, जो है मोमिन को दोज़ख दिखाते हैं कि अगर तू ईमान पर ना मर रहा होता तो जहन्नुम का ये घड़ा तुझे मिलता, जहन्नुम में यहाँ तुझे डाला जाता, तो उस पर वो शुक्र करता है कि शुक्र है मैं ईमान पर मर रहा हूँ इसलिए मैं जहन्नुम से बच गया हूँ, और फिर जन्नत दिखाई जाती है, अब तू चूंकि ईमान पर मर रहा है लिहाजा जन्नत का ये मुकाम और दर्जा तुझे अता किया जाएगा। जब वो जन्नत के अनवारा तो नेमते देखता है तो फरमाया कि वो फिर उस वो उसकी रूह निकलने के तैयार हो जाती है, बेचैन हो जाती है कि जल्दी से मैं उरूज करूँ और फिर जो अपने मुकाम पर पहुँचूँ, जिसको सूरह नाजियात में बताया कि वह साबिकात सबका, तो वह एक दूसरे से आगे बढ़ के तेज़ी से वो रूह जो है निकलती चली जाती है। चाहे हदीस में आता है जैसे मशकीज़ा फुल पानी से भरा हुआ उल्टा लटका हुआ हो और उसके नीचे रस्सी मुंह की खोल दें, भग से पानी जैसे निकल जाता है, बिल्कुल इसी तरीके से तेज़ी उसकी उसकी रूह निकल के अपने मुकाम की तरफ पहुँचती है।
اور کافر کی جب کو بھی یہ دونوں مقام دکھائے جاتے ہیں، کافر کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ تیری جنت کا ٹھکانہ، اگر تو ایمان پہ مرتا تو تیری جنت کا یہ ٹھکانہ ہوتا، تو لے اب وہ اس کے اندر حسرت اور افسوس اور یاس بڑھ جاتی، کاش میں جو ایمان پہ مرتا، کیونکہ اس وقت کی جو کیفیت سکرات کی، اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، اب اگر ایمان لانا چاہے گا وہ ایمان معتبر نہیں ہوتا، لیکن اس کو دکھا کے حسرت اور افسوس میں مبتلا کیا جاتا ہے، یہ بھی ایک عذاب کا شعبہ ہے، تو وہ دیکھ کے بے چین ہو جاتا ہے، اور پھر بتایا جاتا ہے یہ جو جہنم کا، اب تیرا ٹھکانہ جہنم کا یہ گڑا، یہ ہولناک آگ تیرے جہنم کی ہے، اب وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے اور اس کی روح نکلنا نہیں چاہتی، جس کو سورہ والنازعات میں کہا والنازعات غرقا والناشطات نشتا، والنازعات جو ہے وہ غرقا، گویا کہ فرشتے گھس کے زبردستی کھینچتے ہیں اس کی روح کو، کیونکہ وہ جہنم کی ہولناک آگ دے کے نکلنا نہیں چاہتی، اس لیے حدیث میں فرمایا اس کی مثال بالکل ایسی ہوتی ہے جیسے دھنی ہوئی جو روئی ہے، گیلی روئی ہو اور کانٹوں کے اوپر پھینک دی جائے اور اس کو کانٹوں کے اوپر سے کھینچا جائے، تو جیسے وہ کانٹوں کے اوپر تار تار ہو جاتی ہے، ایسی اس کی روح تار تار ہو کر اب نکالی جاتی ہے اور جہنم کی طرف لے جائی جاتی ہے، تو یہ اس وقت میں یہ دو کیفیت ہوتی، جنت دوزخ دکھائے جاتے ہیں، حضور علیہ السلام کا سراپا دکھانے کی سرات نہیں ہے، لیکن اللہ دکھانا چاہے تو دکھا سکتا ہے کسی بھی آج کے رسول کو، وہ اللہ دکھا سکتے ہیں، لیکن قبر میں حضور کی شبی کی حدیث موجود ہے، وہاں دکھایا جاتا ہے۔